गुरुवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर धामी ने तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को आजादी के पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों और बॉर्डर पर शहादत देने वाले शहीदों को नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की और कहा कि हर जिले में एक निकाय को आदर्श रूप में विकसित किया जाएगा। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 4,000 से बढ़ाकर 6,000 करने का ऐलान किया गया। सीएम धामी ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी। पहाड़ों में पलायन रोकने के लिए ट्राउट मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा और 200 करोड़ की योजनाएं शुरू होंगी। राज्य के हर जिले में एक मॉडल पशु अस्पताल खोला जाएगा। गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके द्वारा हमने एक देश और दुनिया को समानता और न्याय का एक प्रभावी संदेश दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता कानून समाज में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को और अधिक मजबूत करेगा। हमारी सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर देने, प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% का क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेक अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने तिरंगा फहराया और राज्य के लोगों को स्वतंत्रता की बधाई दी और इस दौरान कई और अन्य कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। सभी ने मिलकर आजादी का जश्न मनाया। शुभकामनाएं हैं प्रदेशवासियों को, राष्ट्रवासियों को, और खासकर आज का दिन हम उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी शहादतें दी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय जेलों में काटने का काम किया और उनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। गुरुवार को 78वां स्वतंत्रता दिवस राज्य भर में धूमधाम से मनाया गया है। आपको 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से राज्य में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान में लगी कंपनी ने क्रेन से 230 मीटर ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया। रुद्रप्रयाग में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने गढ़वाली पंजाबी प्रस्तुतियों पर, हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भी तिरंगा फहराया और वहां पर मौजूद हजारों श्रद्धालु ध्वजारोहण के साक्षी बने। टिहरी में भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पिथौरागढ़ में कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया गया और बच्चों ने शहर में प्रभात फेरी भी निकाली। रुड़की में ध्वजारोहण के साथ बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। विकासनगर में भी पूर्व सैनिकों ने 120 मीटर लंबे तिरंगे को हाथ में लेकर विकासनगर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी शामिल हुए। हल्द्वानी में भी कुछ लोगों ने अपने अनोखे अंदाज में जश्न मनाया। 78 फीट लंबे तिरंगे को लेकर सड़क पर चलते दिखाई दिए। ठीक एक हफ्ते के बाद गैरसैंण में विधानसभा का सत्र होगा, तो पहले दिन धरना देकर पूर्व सीएम हरीश रावत वहां पर राजधानी खोजेंगे। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत 12 साल पहले भी धरना ही देते थे जब कांग्रेस की सरकार ने पहली बार वहां पर शुरुआत की। इक्कीस अगस्त को जब गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होगा तो उस दिन पूर्व सीएम हरीश रावत गैरसैंण में धरना देकर राजधानी खोजेंगे। करीब 12 साल पहले जिस गैरसैंण में सीएम रहते हुए विजय बहुगुणा ने एक शुरुआत की थी, तब से 12 साल बीतने के बाद भी गैरसैंण सियासी अखाड़ा बना हुआ है।
बीजेपी गर्मियों की राजधानी बनाना अपनी उपलब्धि बताती है और कांग्रेस को वहां राजधानी जैसा कुछ नहीं दिखता। कांग्रेस का कहना है कि जहां डीएम भी ना बैठता वो राजधानी कैसी। वहीं बीजेपी का कहना है कि 12 साल पहले भी हरीश रावत धरना दे रहे थे और आज भी धरना दे रहे हैं, लेकिन जब खुद मुख्यमंत्री रहे तो 3 साल में गैरसैंण के लिए कुछ नहीं किया। उस समय भी इस तरह धरने का कार्यक्रम किया था कि यहाँ पर राजधानी होनी चाहिए और उसके बाद तकरीबन 3 वर्ष तक रावत जी मुख्यमंत्री रहे, तब उन्हें गैरसैंण की याद नहीं आई। यार इनका राजनीतिक जो चरित्र है जिसमें दोहरी मानक है, उसका प्रतीक है कि जब आप जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो और राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने ये निर्णय न लिया हो, मुझे लगता है उसको इस बारे में कुछ बोलने का अधिकार। मैंने जब पता किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो ग्रीष्मकालीन राजधानी तो छोड़िए, यहाँ तो डीएम और एसडीएम भी बहुत मुश्किल बैठ रहा है, ये स्थिति आ गई है, तो राजधानी का कहीं अता पता नहीं है। तो एक व्यथित हरीश रावत केवल अपने मन की शांति के लिए कुछ देर उपवास करेगा तो वीरचंद सिंह गढ़वाली के सामने उनसे क्षमा मांगेगा। गैरसैंण अब गर्मियों की राजधानी है, पर आज भी इसके नाम पर धरने और प्रदर्शन नहीं रुक रहे। 12 साल पहले कैबिनेट मीटिंग से हुई शुरुआत से लेकर अब तक गैरसैंण बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक सियासी अखाड़ा बना हुआ है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। एलोपैथी दवाइयों को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है। पतंजलि योगपीठ में झंडा फहराने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खाकर करोड़ों लोगों की मौत हो रही है, इसलिए चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को आगे बढ़ाना। चिकित्सा की स्वाधीनता का तो अभी बहुत बड़ा सपना बाकी है, क्योंकि एलोपैथी की जहरीली दवाइयां खा खा करके करोड़ों लोगों की मौत हर साल हो रही है। हमने दुनिया का इतिहास पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपना राजनीतिक साम्राज्य कायम करने के लिए 10 करोड़ से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, ऐसे ही इस्लाम के नाम पर भी करोड़ों लोगों का कत्ल हुआ है। लेनिन, मार्क्स और माओ की जो क्रांतियों के नाम पर कत्ल हुआ है विश्व युद्धों में और अलग अलग त्रासदियों में करोड़ों लोग मारे गए, लेकिन हर साल करोड़ों लोग निर्दोष मर रहे हैं जहरीली दवाएं, सिंथेटिक दवाएं खा खा करके। जो चिकित्सा की स्वाधीनता का आंदोलन है पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम, इसको हम और मुखर करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी कोटद्वार में एक्शन अवतार में नजर आए। बलूनी मालन नदी पर बन रहे पुल का काम देखने गए थे और इसी दौरान बलूनी ने उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अनिल बलूनी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अप्रैल से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे सर, लेकिन थोड़ा सा हम सेफ्टी लेने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अप्रैल इसकी तय होगी। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर। बहुत शानदार है सर, बहुत शानदार है सर, बहुत धन्यवाद। ये वादा है, ये हां वादा सर, देख लीजिएगा इसको। बोलिए नहीं 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 सर, 15 अप्रैल से हम पहले मुख्यमंत्री जी को फोन करके भी कह दूंगा, हमने 15 अप्रैल को अब इसका उद्घाटन कर देंगे। जरूर जरूर, तो ये तय हो गया 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। अनिल बलूनी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बदला हुआ अंदाज गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी का है, जिन्होंने चुनाव से पहले ही वादा किया था कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सांसद अनिल बलूनी गए तो थे मालन नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं पूछ लिया और फिर उसके उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी और बाकायदा सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उद्घाटन की घोषणा भी कर दी। कब तक ये पुल के बनने के आसार लग रहे हैं, कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए ये जो पुल है इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है और अभी इसका पूरा निरीक्षण हम लोगों ने किया है, हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी साथ में हैं और उन्होंने ये बिल्कुल विश्वास दिलाया है कि ये मार्च में पूर्ण हो जाएगा। हमने 10 मार्च तक पूरा हो जाएगा, हमने 15 अप्रैल की इनसे बात करके इसको उद्घाटन की तिथि तय कर ली है और माननीय मुख्यमंत्री जी का तय कर लिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 15 अप्रैल को आकर इसके उद्घाटन करेंगे। तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि उससे एक महीने पहले आप इसको तैयार कर देंगे, तो आप मान के चलिए कि 15 अप्रैल को इस पुल का उद्घाटन होगा और यहाँ प्रॉपरली सारी जो परिवहन व्यवस्था ठीक हो जाएगी।
दरअसल बीते साल 13 जुलाई को हुए तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से बालत नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया था, जिसकी वजह से भाबर क्षेत्र का कोटद्वार बाजार से संपर्क कट गया था। इस पुल का इसी मार्च से फिर से निर्माण किया जा रहा है। इसका निरीक्षण करने सांसद अनिल बलूनी पहुंचे थे और अधिकारियों को काम में तेजी के निर्देश देते हुए 15 अप्रैल 2025 को पुल के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी थी। न्यूज 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट। ऋषिकेश से अगली खबर, जहां पर ब्रह्मपुरी इलाके के एक आश्रम में पूजा के लिए आया एक लड़का कल रात को गंगा के तेज बहाव में बह गया, जिसकी पहचान मध्य प्रदेश के अमन शर्मा के रूप में हुई है। वहीं सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ ने लापता लड़के की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आज फिर लापता लड़के की तलाश में एसडीआरएफ सर्च ऑपरेशन चलाएगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश से 8 लोगों का दल ऋषिकेश घूमने के लिए आया था। मॉनसून की बरसात के बीच स्वास्थ्य संबंधित नई चुनौतियां भी देखने को मिल रही हैं। पानी के कारण होने वाले रोगों के साथ ही वायरल डिजीज और मच्छरों से होने वाले रोगों से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके चलते अस्पतालों की ओपीडी में सबसे ज्यादा भीड़ है। यहां तक कि भर्ती होने वाले मरीजों के कारण भी अस्पताल पैक हो गए हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक ऐलान ने टेंशन बढ़ा दी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में शनिवार को डॉक्टरों ने एक दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ना तय है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, शैलेंद्र नेगी हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर भी डॉक्टरों की तरफ से ऐलान कर दिया गया है हड़ताल को लेकर। हम देख रहे हैं देश भर के डॉक्टर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट देखने को मिले। वहां पर क्या जानकारी, कहाँ पर ये प्रोटेस्ट होगा और क्या इसका असर सीधे तौर पर ओपीडी सेवाओं पर भी पड़ेगा, इमरजेंसी सेवाओं पर भी पड़ेगा? देखिए शीनम, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसकी तरफ से इस हड़ताल को कॉल किया गया है, हड़ताल का ऐलान किया गया है और शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर रविवार सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। और उत्तराखंड के जो मेडिकल कॉलेज थे उसके अभी तक डॉक्टर्स जो लगातार एक हड़ताल चल रही थी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स की पूरे देश में, उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब आईएमए ने ऐलान किया है कि वो हड़ताल में शामिल होंगे। तो इसका मतलब बेहद साफ है कि उत्तराखंड की जो यूनिट है आईएमए की वो भी इस हड़ताल का हिस्सा होगी। तो ऐसे में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें जो ओपीडी सर्विसेज हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी 24 घंटे के लिए, शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर के रविवार सुबह 6 बजे तक। लेकिन जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं वो चालू रहेंगी, ऐसा उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो रूटीन के ऑपरेशंस हैं वो नहीं होंगे, लेकिन जो इमरजेंसी ऑपरेशंस हैं वो होंगे। इस तरीके से एक रिलैक्स भी कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो उत्तराखंड में चालू रहेंगी, देशभर में चालू रहेंगी। लेकिन इससे जो हड़ताल का ऐलान किया गया है ओपीडी सर्विसेज का, क्योंकि ऐसे समय में किया गया है जिस समय वाटरबॉर्न डिजीज बहुत सारी हो रही हैं, जो वायरल डिजीज हैं बहुत सारी हो रही हैं, जो मच्छरों से होने वाले रोग हैं वो बहुत सारे हो रहे हैं, जो अस्पताल जितने भी हैं हमारे टर्सरी केयर जितने सेंटर्स हैं वो इस समय सब के सब पैक चल रहे हैं। तो ऐसे में मरीजों के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि ओपीडी में बहुत सारे ऐसे मरीज रहते हैं, लगभग 90% जो मरीज होते हैं वो ओपीडी में अपने आप को दिखाने के लिए पहुंचते हैं और वहीं से तय होता है कि अस्पताल में भर्ती होना है या फिर दवा लेकर के आपको घर जाना है। ऐसे में अगर ओपीडी सर्विसेज 24 घंटे के लिए भी बंद हो रही हैं तो फिर ये मरीजों के लिए जरूर टेंशन वाली बात है। जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज, उसके साथ ही हल्द्वानी और देहरादून का जो मेडिकल कॉलेज है, इनमें रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार सर्विस देते रहे हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ साथ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी 24 घंटे के हड़ताल पर रहेंगे। तो ऐसे में निश्चित तौर पर उत्तराखंड के लिए बड़ी चुनौती रहने वाला है, क्योंकि जो पीएससी सीएससी और जो बड़े स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें सब में तैनात डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर रहेंगे शनिवार को। ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत और हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि इधर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में नर्स के साथ उसी तरह की घटना सामने आई। बीती 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स के साथ दरिंदगी हुई और उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को जोधपुर से गिरफ्तार भी कर लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
में कोलकाता जैसी वारदात। नर्स से हैवानियत और गला घोंटकर हत्या। आठ अगस्त को मिली थी झाड़ियों में लाश। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दर्दनाक घटना के बाद उत्तराखंड में भी एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। यूपी के रामपुर जिले की रहने वाली तस्लीम जहां नाम की नर्स को पहले मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। इसके बाद आरोपी ने स्कार्फ से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने पत्थर से चेहरे को पूरी तरह से कुचल दिया और शव को झाड़ियों में छिपा दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़िता के रुपए और मोबाइल लूटे और फरार हो गया। जब महिला अपने आप जा रही थी तो काफी देर बाद यह भी पीछा करते चला गया। केवल वासना का शिकार होते हुए उसने यह देखा अकेली रोड पर सुनसान जगह पर डिब्डीबा में महिला जा रही है, पीछा करता हुआ गया। उसका जो वासना की मतलब इसमें आकर और लूट करने के इरादे से उस महिला को घसीटते हुए झाड़ियों के पास ले गया। उसने बहुत प्रोटेस्ट किया महिला ने इसको लात मुक्का सब कुछ मारा तो तब जाके इसने उसका सर पटक के उसका उसी का चुन्नी होता है स्कार्फ बोलते हैं तो महिलाएं जो ऑफिस में काम करने के लिए यूज करते हैं तो उसी का स्कार्फ से उसका गला घोटा, बर्बरता रूप से गला घोटा, उसको बलात्कार किया, इस प्रकार ब्रूटल रेप करके मर्डर को अंजाम दिया। तो इस वारदात को हमने इसका पूरा कड़ी से कड़ी मिलाते हुए विक्टिम को सॉरी अक्यूज को ट्रेस आउट करने के बाद इस घटना का सफलतापूर्वक हमने अनावरण कर दिया है। पुलिस ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि 33 साल की नर्स तस्लीम जहां रुद्रपुर के निजी अस्पताल में काम करती थी, जो बीती 30 जुलाई की रात से गायब थी। वो ड्यूटी के बाद अपने किराए के मकान वसुंधरा अपार्टमेंट नहीं पहुंची थी। बहन की शिकायत पर पुलिस ने 31 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और बीते गुरुवार को डिबडिबा इलाके में एक खाली प्लॉट से तस्लीम जहां की लाश बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध देखा गया जो तस्लीम के पीछे जाता हुआ दिखाई दिया था। मृतका का मोबाइल बरेली में ट्रेस हुआ जिसे धर्मेंद्र नाम का शख्स इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस जब उसकी तलाश में बरेली पहुंची तो पता चला कि वो परिवार के साथ फरार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे राजस्थान से गिरफ्तार किया और मामले का पर्दाफाश कर दिया। जो हमने गुमशुदगी दर्ज किया है उसी गुमशुदगी को हमने अभी इसका अनावरण करते हुए इसका होने के बाद इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इसके ही निशानदेही में अभियुक्त जो वारदात की टाइम में जो फोन यूज कर रहा था, जो सिम यूज कर रहा था इसके बीवी के नाम पे, वो एज इट इज हमने बरामद किया है। और जो सीसीटीवी फुटेज में ये जो धर्मेंद्र चलता हुआ दिख रहा है महिला के काफी देर बाद पीछे, वही टी शर्ट, वही हमारा जीन्स मतलब कपड़े सब बरामद किया हमने। और भी बहुत सारे महिला के सामान मिसिंग है, ये कुछ कुछ कहानियां बता रहे कहां कहां उसने छुपा रखा है क्या। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला की पहचान न हो सके इसके लिए उसने चेहरे को बुरी तरह से कुचल दिया। जांच में एक बात ये भी पता चली कि आरोपी इससे पहले भी आर्म्स एक्ट में जेल जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तरकाशी में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल पारंपरिक तरीके से हर साल 16 अगस्त को मनाया जाता है, जिसकी तैयारी दयारा बुग्याल में पूरी कर ली गई है और पंचगाई, रैथल समेत नटीन, बंदरानी, क्यार्क, भटवारी के आराध्य समेश्वर देवता की डोली भी दयारा बुग्याल पहुँच चुकी है। अंजूरी उत्सव या फिर बटर फेस्टिवल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी दयारा बुग्याल पहुंच चुके हैं। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने बुग्यालों में होने वाले बटर फेस्टिवल के लिए 1500 लोगों को जाने की अनुमति दी है। तो
और साथ ही बटर फेस्टिवल का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पांच गांव के समस्त ग्रामीण और हमारे जो उत्तराखंड से तमाम हमारे जो रिश्तेदार हैं सब आए हैं, और जो हाईकोर्ट का 200 नीचे ही हमने यहाँ पे रखा है, पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस वर्ष का बटर फेस्टिवल मनाया जा रहा है। और एक महीने से तैयारी रहती है, अपना दूध मट्ठा मक्खन इकट्ठा करके रखते हैं उस दिन के लिए कि हमारा बटर फेस्टिवल आ रहा है, हमारा अंडूड़ी आ रहा है, हम उसको वहाँ पे होली खेलेंगे। कोटद्वार के सुप्रसिद्ध सिद्धबली धाम मंदिर में की जा रही नई प्रार्थना इन दिनों खूब चर्चाओं में है। दरअसल मंदिर में अब सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रार्थना के लिए सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया वाली प्रार्थना में बदलाव कर सर्वे की जगह हिंदवा शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मंदिर के महंत और बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत का कहना है कि मंदिर हिंदुओं का है और उसमें प्रार्थना भी हिंदुओं के लिए की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले की प्रार्थना गलत थी और इसलिए प्रार्थना का शुद्धिकरण किया गया है और सभी मंदिरों से अपील है कि वो भी मंदिरों में इसी तरह सिर्फ हिंदुओं के लिए प्रार्थना करें। धाम में सभी हिंदू धर्मावलंबी आते हैं तो निश्चित रूप से जब जो भक्त होंगे उन्हीं के अनुरूप ही प्रार्थना की जाएगी और वो अपने अनुसार ही अपने प्रार्थना मांगेंगे भगवान से, तो इसीलिए ये प्रार्थना बदली गई है और कहा गया है कि सर्वे के स्थान पे हिंदुवा शब्द का प्रयोग। देखिए पहले अगर कोई गलती होती थी तो ये नहीं कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हुआ, हमने उसको उसका शुद्धिकरण कर दिया है और इसीलिए इसको नई प्रार्थना हमने यहाँ पर करनी शुरू करी। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद हुए उत्तराखंड के लाल को गुरुवार को अंतिम विदाई दी गई। शहीद कैप्टन दीपक सिंह का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर सैन्य सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, हरिद्वार के DM और SSP समेत अन्य तमाम लोगों ने शहीदों के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते एक महीने में उत्तराखंड के कई जवान शहीद हो चुके हैं, वो उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। इससे पहले शहीद कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। CM पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर शहीद को श्रद्धांजलि दी। एयरपोर्ट पर सेना के कई अधिकारी और जवान मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व CM हरीश रावत, कई विधायक और अन्य लोग भी भारी संख्या में शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। कश्मीर के डोडा जिले में अस्सर पट्टी में आतंकियों की तलाश के लिए जारी अभियान के दौरान मुठभेड़ में आतंकियों ने गोलीबारी कर दी जिसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हो गए। देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां पर आज CM पुष्कर धामी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में असिस्टेंट टीचर को नियुक्ति पत्र देंगे। शिक्षा निदेशालय में दोपहर 1 बजे ये कार्यक्रम रहेगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें आगे देखिए।